अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलराइट जनाब, सो भी जो है मैं सुबह सुबह छत पे आई हूँ एंड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है बाहर का। एंड बकरियाँ जो हैं वो खाना खा रही हैं, इनको दूध वगैरह निकाल दिया है मैंने इनका और इसका ही, बस एक का ही निकाल दें। और बाहर का मौसम जी कुछ इस तरह से है। और ये जी जनाब मेरे पास आराम फरमा रहे हैं। आई आई सो जा सो जा, एक मिनट में आपको इससे मिलवाती हूँ, ठीक है? ये देखिए, ना अभी जो है वो हम खाना खाने लगे हैं। अभी मैंने सारे काम किए हैं और बस फ्लोर क्लीनिंग वगैरह मैंने की है आप ही के रूम का। मैं सभी वैसे ही है, वो खुद करेगी साफ। आ गई थी वो रात को और आज मैंने बाहर दो नहीं तीन दफा पोची लगाई है और उसके बाद जाके कुछ फ्लोर साफ सुथरा लगा है। रात को जब हवा चली इतनी शदीद मिट्टी अंदर आई है। और आज जुमा भी है, जुमा मुबारक एवरीवन। और ये देखें आप ये, और उसके अलावा मेरे जो हाथ की चोट है वो नहीं सही हुई, रात भी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, कंबल के साथ लग गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अम्मी की तरफ से कड़ी भी आई थी रात को, बहुत यम्मी, थैंक यू मम्मा। और इसके अलावा ये दाल है जी, परसों की दाल पड़ी, इसको तड़का लगा के अभी खा रहे हैं। आलू मटर नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। और ये जी रोटियां हैं, ये सारा मैं खुद नहीं खाने वाली, आप ही भी आ रही है तो हम लोग खाएंगे। सो चलिए जी, अब मैं खाना खा लूँ तो फिर आप लोगों को मिलती हूँ। मलसा में सर्दी लग रही, सर्दी लग रही है, कपड़े पहने कपड़े नहीं पहने, पहने कपड़े और यहाँ पे जीन मॉल फातिमा की आज की लुक इस तरह से थी, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है ना, देखिए इसने आज हिजाब किया हुआ है, आप तैयबा ने इसको किया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। मुझे तैयबा ने वीडियो भेजी थी तो आई थॉट चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और इसके लुक देखिए आप बस, माशाल्लाह। चलिए जी जनाब, खाना वगैरह हमने खा लिया है और अभी जो है वो मैंने नाखून काटे अपने, ठीक है जी, नेल्स वगैरह कट हो गए। और अभी मैं नहाऊंगी, शावर लूंगी क्योंकि आज जुम्मा है, ठंड बड़ी हो गई है हिम्मत नहीं लेना तो है लेकिन जुम्मा है। ऑलराइट जनाब, सो मैंने नहाया है, कपड़े चेंज किए, आज फिर मैंने मोटा ही सूट पहन लिया है। वैसे मैंने सोचा था आज लॉन का पहनूंगी लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है और रात बारिश भी होती रही, अभी भी हो रही है, तो अभी बस मैं परफ्यूम लगाऊंगी थोड़ा सा। इट स्मेल्स सो गुड, आई लव इट। उसके अलावा जी नमाज पढ़ूंगी अभी जोहर की, टाइम तो वैसे 3:30 हो गए लेकिन थोड़ा लेट हो गई, छोड़ूंगी नहीं लेकिन पढ़ूंगी, छोड़ने से बेहतर है कि पढ़ लूँ। सो मैं नमाज पढ़ लूँ एंड देन हम लोग से ऑब्वियसली मिलते हैं। ऑलराइट जनाब, अभी मैं रूम में आ गई हूँ, आते साथ पहले मैंने ये एरिया क्लीन किया क्योंकि इस एरिया पे कपड़े जूते निखर जूते तो नहीं होते, मतलब इस तरह की जो भी चीज़ आती है वो इस पे, एक्स्ट्रा चीज़ इस पे, तो वो सारी क्लीन की है, इसको साफ़ सुथरा किया है। उसके बाद जी मैंने अपने हस्बैंड के जो है वो कपड़े प्रेस किए हैं और यहाँ से थोड़ा ये कैसा गंदा सब है, ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा क्लीन किया है। ड्रेसिंग वगैरह जो है वो आज कंप्लीट क्लीन करेंगे, वैनिटी पूरी आज कंप्लीटली क्लीन करेंगे क्योंकि रमज़ान से पहले मैं एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करना चाहती हूँ। रमज़ान में नहीं इतना मुझे लगता कि करना चाहिए ये काम, मतलब पढ़ाई इबादत नमाजें वगैरह ही करनी चाहिए, तो आज इंशाल्लाह जो है वो रूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे आज से ही। और उसके अलावा नाना अबू की गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, अब मैं आप लोग को शाम को मिलती हूँ, मे भी अगर पहले भी मिल जाऊँ, बहरहाल आज डीप क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। ये क्या हुआ था, बाय। अच्छा जी जनाब, अभी जो है वो मैं छत पे जाने लगी हूँ,
और अभी टाइम जो है वो 5:20 हुए हैं, और आप सोच रहे होंगे ना कितना अंधेरा क्यों है। तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि एक तो यह कि आज हवा भी बहुत चल रही है बाहर की, आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं वहाँ से भी। दूसरा यह है कि जी छत का दरवाज़ा हमने बंद किया होता है, क्योंकि जो है ना वो बकरी जो है, बकरा जो है छोटा वाला, वो दौड़ के अभी नीचे आ जाता है अब। अच्छा, मैं अब ग्लास लेके जाने लगी हूँ जी छत पे। मैं करूँगी क्या, बकरी का दूध निकालूँगी, और बाहर से मैं मौसम दिखाना तो चाहती थी, बट बाहर ना आदमी भी होते हैं, देखती हूँ मैं। नहीं तो ऊपर ही चलते हैं, ऊपर जाके भी बाहर से ही दिखाऊंगी, और भी कुछ मैंने आपको बताना है। और अभी बारिश भी हो रही है, और ये ओह, इसको नीचे, इसकी वजह से हम दरवाज़ा बंद रखते हैं, जो मेन रीज़न है। और अभी मैं दूध निकालती हूँ, और बाहर का मौसम जो है वो कुछ इस तरह से है, और जब से बकरी की चोरी हुई है हमारे मोहल्ले में जो है वो मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उन्होंने की हैं। ये देखें जी, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास 2 और इंस्टॉल हुए हैं, एक ये है और एक ये जो है वो इनके घर के पास है, एक ये वाला, ठीक है। ये 2 हैं सीसीटीवी, और एक जो है वो ये है, और अब जो है वो 2 ये लग गए, ठीक है। तो मज़ीद सिक्योरिटी हो गई है, लेकिन चलें अच्छी बात है। और बाहर जो है वो बारिश हो रही है अभी भी, ये देखिए मेरे कपड़े सारे गीले हो गए। चलें मैं ना, गंदगी भी है, दूध निकाल लूँ ना। अभी जो है वो मैं डिनर करने लगी थी, आज हमने बनाया जी दाल और करेले, करेले नज़र नहीं आ रहे। और साथ से पानी, ये देखिए जी, क्या नजर क्या, और पानी बड़ा ठंडा ठंडा। हमें लगा था शायद सर्दियां चली गई हैं, बट सर्दियां एब्सोल्युटली नहीं गई अभी, आज पर इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। चलिए मैं नाश्ता कर रही हूँ, डिनर कर लूँ, दिन आप लोगों से मिलती हूँ जनाब। सो मैंने जो है वो इसको जोड़ने का सोच ही लिया, फाइनली ये टूट गया था यहाँ से, मैंने स्पेल्फी लगाई और वो यहाँ पे भी गिर गई है थोड़ी सी, तो पढ़ लिया कि जुड़ गया है फौरन ही। और यार ये बहुत प्यारा नेकलेस है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिला है मुझे, और इतना खूबसूरत लगता है ना यार ये। इसके साथ चेन है सिर्फ, और सिंपल सी चेन है, और इस तरह से इसका नेकलेस है, और साथ इसके ये वाले इयररिंग्स हैं, बहुत ही हसीन और जमील, लाइक आई एम इन लव विद दीज। ये रहा जी इसका दूसरा इयररिंग, और ये जी इसकी चेन, चेन जो है वो बहुत खूबसूरत है, मैंने इसको पहन के देखा है, इंशाल्लाह फिर कभी किसी इवेंट पे पहनूंगी। अभी मैं इसको बंद करने लगी हूँ, ठीक है जी, ये हो गया जी बंद। उसके अलावा जी मैं बना के लाई हूँ ये कहवा PCOST। इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ इस पर, सो देन आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूँगी। ये जो मेरा कहवा बन गया है, आज हमारा दूध जो है वो नहीं आया, कहवा बन गया है। दूध आ जाता तो फिर कहवा नहीं था बनना, अच्छा हुआ दूध नहीं आया। मुझे खुशी है इस चीज़ की, कोई कमी नहीं है मुझे इस चीज़ की। तो अभी जो है बस मैं कहवा पीऊँगी, और कहवा मैं भर के ले आई हूँ, तुन के ले आई हूँ। ये देखें जो मेरी चोट जो है वो बिल्कुल भी सेट नहीं हुई अभी तक, इतनी दर्द होती है ना, बहुत अंदर तक कट लगा है, डीप है थोड़ा सा। तो चलो जी, बहुत बातें करती हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा गप्पे मारती हूँ। अच्छा जी चलें, मैं इसको सेट करती हूँ, कटती हूँ अभी, मैं पक्का करूँगी, ठीक है, करती हूँ मैं अभी इसको। इसको क्लीन करने से पहले हम इसको करेंगे सेट, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बस चुटकी बजाऊंगी, एंड ऑल डन। तड़ा, सो जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गया बेड भी, और असेंबल कर दिया मैंने, और अब अजान होने लगी है, तो मैं व्लॉग को भी बंद करती हूँ, वीडियो पॉज करती हूँ, ठीक है, और चले अजान हो लेने दें।
जनाब, ये सारा सामान मैंने बाहर निकाला और ये चीज सारी की सारी मैंने खाली कर दी है। इसके जो ग्लास हैं वो भी मैंने बाहर रख दिए हैं। भाई डर भी लगता है थोड़ा सा। ग्लास थे इसके अंदर जो यहाँ पे, मतलब इसकी सपोर्ट्स थी जिन पे मैंने चीजें रखी थी वो ग्लास की थी, तो वो भी मैंने निकाल दी है। और इसके अलावा ये है कि जी मैं अब इसको क्लीन करने लगी थी और क्लीन कर लूँ, बाकी सब चीज़ें सेट कर दूँ और मैं ना सेक्शंस बनाऊँगी अभी अलहदा अलहदा चीज़ों के, तो फिर देखते हैं कि जी मैं किस तरह से जो है वो वैनिटी को सेट करती हूँ। चलिए जी। सो जनाब, फाइनली आप लोग देख सकते हो मैंने इसकी डेकोरेशन चेंज की है बिल्कुल। मैंने एक ये प्यारा सा डेकोरेशन आइटम यहाँ रखा है, उसके अलावा मैंने टिशू बॉक्स में टिशू डाल के यहाँ रखे हैं, ये रह गया है। और उसके अलावा यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग चेंज ये की है कि ये यहाँ पर रखा है और यहाँ से उठा के, और बाकी कुछ मटेरियल मैंने अंदर रखा है। अंदर की सेटिंग मैंने कुछ इस तरह से की है, ये चीज़ें नीचे ट्रांसफ़र की है। ये सारा मेरा मेकअप प्लस थोड़ा सा स्किन केयर भी है इसके अंदर। उसके अलावा जी माशाल्लाह, ये सबसे प्यारा जो डेकोरेशन आइटम है, खूबसूरत सा ये वो है। और उसके अलावा जी ये थोड़ी सी मास्क वगैरह और वो कैफे हैं, लिपस्टिक होल्डर है। ऑलराइट सो गाइस, अभी जो है वो काम कंप्लीट हो गया है। मैंने ये वाला जो नीचे वाला जो सेक्शन था ये भी अरेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया है। अभी फ़िलहाल इधर हमारे कपड़े ही होते हैं जो मतलब नॉर्मल रूटीन में पहने जाते हैं वो, क्योंकि हमारी अभी अलमारी नहीं है। सो इंशाल्लाह सून हम वो भी ले लेंगे। और उसके अलावा ये है कि ये सब चीज़ें अब ऑर्गेनाइज है, ठीक है। और अब मुझे नींद आ रही है और अभी टाइम हो गया जी 9 बज चुके हैं। और अभी मुझे एक ब्लॉग भी एडिट करना है और उसके अलावा जी पोस्ट भी करना है। चलें जी, मेरा बेड भी ऑर्गेनाइज है, ये भी सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज है। ये मैंने रिंग पहनी हुई थी जो वो है, मैं हैंड वॉश के लिए करने के लिए गई थी तो मैं इसको उतार के गई। स्किन केयर करने का मूड बहुत था लेकिन यकदम से जो है ना वो अब मेरा मूड चेंज हो गया। एंड माई फिश इज़ ओवर हियर। आप लोग भी सोचते होंगे ना मैं बार बार क्या फिश ही करती रहती हूँ, बट आई रियली लव हर, मुझे बहुत शौक है इसको दिखाने का। ये लीजिए मेरी फिश, ये लो जी फिश को देख लो। हाय से माशाल्लाह, आई रियली लव, पतंग करती रहती हूँ उसको। मैं इसका पानी 2-3 दिन बाद चेंज करती हूँ ना, तो आई थिंक इसी वजह से ये सर्वाइव कर रही है। अगर मैं डेली चेंज कर रही हूँ ना तो फिर वो सर्वाइव नहीं करती, तो मैं इसको डेली नहीं चेंज करती पानी, मैं 2 दिन बाद चेंज कर रही हूँ। आई थिंक सो उनको इसी तरीके से रहना होता है, सो 2 दिन बाद चेंज करेंगे इंशाल्लाह। ये भी किसी दिन अब क्लीन करना है मुझे, किसी दिन नहीं इंशाल्लाह कल या परसों तक कर दूँगी। अब लाइट ऑन करेंगे। अच्छा ये लाइटें मैंने सारी की सारी चलाई हुई हैं, बड़ी वाली को बंद करेंगे, इसका मुँह जो है वो नीचे को टर्न करेंगे और लाइट्स भी ऑफ करेंगे और ब्लॉग को भी एंड करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो जी मेक श्योर करें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।